हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका भाई आप लोग के लिए लेकर आया है एक नया वीडियो, और ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं प्रैक्टिकली स्मोक हेलमेट के बारे में कि उसके पार्ट क्या क्या हैं, कैसे यूज़ करते हैं। और ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सियाल घोगरी कोल माइन रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड के जो हमारे वेंटिलेशन ऑफिसर सर हैं मिस्टर धीरज सर, वो आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताएंगे। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का हमारे लिए। तो ऐसे ही जाएंगे वो तो पहले ही खत्म हो जाएगा जी। और अपन जा रहे तो अपन भी अपने आप को स्वाह करेंगे तो उसके लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट है। अभी बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि बहुत लोगों को क्या है मालूम ही नहीं है कि ये अपने खदान में है भी करके है भी या नहीं है, और है तो उसका क्या यूज़ है। ये हर एक सुपरवाइजर्स को आना चाहिए, इसको ऑपरेटिंग आना चाहिए, और इसको कैसा यूज़ करते ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, त्रिपाठी जी अपने यहाँ पे रेस्क्यू ट्रेड आदमी, रेस्क्यू ट्रेड का मतलब तुम लोगों को मालूम है। अभी डेमोन्स्ट्रेशन अपन किसी इन्हीं पे करेंगे, इन्हीं पे इसलिए क्योंकि इनको थोड़ा सा वो है, नहीं तो अपन दूसरे को लगा देंगे और यहाँ से थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगी तो आदमी वहीं पे ये हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऑपरेट करूँगा, त्रिपाठी जी उसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, और खदान समझ लो ये खदान है जी, वो मास्क को बड़े हिसाब से लगाना है। ये अपने को बाहर की गैस अपने अंदर में नहीं घुसनी चाहिए, अपन जो हवा देंगे वही हवा उसमें जाएगी। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ से मैं पंप करूँगा, अगली बार तू पकड़ के एक एक आदमी को देख लेंगे, रोज के 10 आदमी को देने का। ठीक है, ये क्या करता है हवा बना तो फ्रेश एयर में रखते हैं, हमेशा फ्रेश एयर में रहे। ठीक है, सब पता है। ये है, ये अपने बॉडी में लगेगा। ठीक है, ये जो मास्क लगेगा। ठीक है, और ये है होस पाइप, आगे हो ये डिपेंड करेगा होस पाइप कुमार को कितना लंबा चाहिए। ठीक है, 20 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। बट ये किसी भी दिन में ये मॉकड्रिल में तुम्हारे को दिया जाएगा तो तुम्हारे को उसको ऑपरेट करना आना चाहिए, और हर माइनिंग सुपरवाइजर्स जो भी सदर होते हैं उनको करना आना चाहिए। तो त्रिपाठी जी यही हेलमेट डाल दो, यही वाला। ये ऐसा है, अगर तुमने पंप में मारा और आदमी को पहना दिया। ठीक है, ये ऐसा है। वो बांधने के लिए है, इमरजेंसी में कुछ ये करना है तो उसके लिए है। सर वो पूरा कंटिन्यू लंबा रहेगा ना, वो दो बोर्ड के अंदर से पूछ लेके जाना और एक आदमी इसको चुराते जाना। हाँ, ये पीछे हो जाओ, ये पेशेंट है, ये अपना पेशेंट है खदान में पड़ा। ठीक है ना, अभी अपने पास मारते रहे ना उसके, वो वहाँ पे 70 रुपये बढ़ जाए। अरे ये पेशेंट है, ये पेशेंट है जो बैठे ऐसा कुछ नहीं, कितना भी दे सकते पाइप वो है अपने पास, इमरजेंसी ज़्यादा है तो राजेश सर को, सर को, सर को तो सर ये भी लेके जाओगे, इसको भी लेके जाऊंगा। ठीक है, ये तो ऐसे पड़ा रहे ना, ठीक है, ऐसे ऐसे पड़े रहे लगा लो। ये है कि आप जहां पर चलो, ठीक है, कोई जहां गए भूल गया था, भूल गया रे। तो
चलो इस खदान में चलो अपने।